गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स आई होप यू ऑल विल बी फाइन सी मैंने आप लोगों का चैप्टर नंबर सेवन का टेस्ट लिया था ठीक है द फूड वी ईट मैनी ऑफ यू हैव नॉट सन मी द आंसर पेपर तो आप सभी को टेस्ट लिख के आपका आंसर पेपर का फोटो मुझे भेजना है ठीक है आगे से ऐसा मत करना एंड टूडे We are going to continue with chapter number एट Things around us. ये चैप्टर जो है हमने पहले स्टार्ट कर दिया था मैंने आपको इसका इंट्रोडक्शन दिया था ठीक है So now today we will learn something new in this chapter. ओके आई होप आपने अपनी आसपास की चीज़ों को आइडेंटिफाई किया होगा दिस इज our चैप्टर नंबर एट विच स्टार्ट विथ पेज नंबर एटीन And today we are going to discuss something which is mentioned on page number 81 one, ठीक है। We will be studying something about hard materials. Hard materials मतलब के these are the material जो थोड़े कड़क होते हैं, जिसको छुने पे आपको थोड़ा hard होगा। Hard मतलब के आपके body को वो थोड़ा चुभेगा। Say for example this pen, see.

दे आर ऑल्सो वेरी हार्ड हार्ड का मतलब होता है कि अगर आप इसको प्रेस करते हो सो so उसका शेप बिगड़ता नहीं है देर इज नो चेंज इन देयर शेप दे आर वेरी मच स्ट्रोंग बहुत मजबूत होते हैं सी इन योर टेक्सट बुक वॉट आर द थिंग शोन विच आर हार्ड सी ये आयरन रॉड देन वुड समथिंग विच इज मेड अप ऑफ मेटल ये प्लास्टिक का कंटेनर कॉइंस सी दिस प्लास्टिक कंटेनर है ना, एनी थिंग सी द टॉयज़ विच आर मेड अप ऑफ प्लास्टिक ऑल दीज थिंग्स आर वेरी मच हार्ड वॉट इज मैंशन हियर, वुड मेटल रॉक्स सी रॉक्स सी दीज आर वेरी हार्ड मटीरियल्स वॉट आर हार्ड मटीरियल्स वुड मेटल रॉक्स एंड प्लास्टिक आर हार्ड मटीरियल्स दिस इज वुड ये मेटल दीज आर ऑल्सो मेटल रॉक ये प्लास्टिक ठीक है ऑल दीज थिंग्स आर हार्ड मटीरियल्स इन सारी चीज़ों से क्या क्या बनता है देखो वुड से फर्नीचर बनता है मेटल से ऑर्नेंट्स बनते हैं देन यूटेंसिल बनता है प्लास्टिक से क्या बनता है सी मेट बी और मोबाइल फोन मेट बी या टॉय मेट बी पेन ये सारी चीज़ें प्लास्टिक से बनती हैं रॉक रॉक में से हमको मेटल्स मिलते हैं सो सिंस दीज थिंग्स आर वेरी हार्ड तो उसमें से हम दूसरी चीज़ें बना सकते हैं वट इज रिटन दे आर यूज टू मेक फर्नीचर है न वुड के फर्नीचर होते हैं आयरन के फर्नीचर होते हैं देन बिल्डिंग्स ये इस बिल्डिंग बनाने में क्या यूज़ होता है आयरन रॉड फिर पत्थर भी तो लगते हैं बिल्डिंग बनाने में मोटर वहीकल मेटल में से मोटर वहीकल के पार्ट्स बनते हैं बहुत सारे मशीन्स बनते हैं सो so, ज हार्ड मटीरियल्स आर यूज टू मेक डिफरेंट अदर मटीरियल्स नाउ मटीरियल सच एज ग्लास सी दिस ग्लास ये कांच के बने होते हैं देन वैक्स आपके वैक्स कलर क्रेन्स है ना क्ले विथ विच यू प्रिपेयर सो मैनी टॉयज टॉयज मतलब कि वो जो मॉडलिंग क्ले होता है ना जिसमें से आप उसको मिक्स कर करके कुछ भी बनाते हो डक बनाते हो फ्रूट्स बनाते हो वेजिटेबल बनाते हो है ना उसके छोटे छोटे मॉडल्स बनाते हो दैट क्ले दीज थिंग्स दे ब्रेक ईजिली ग्लास वैक्स एंड क्ले दीज थिंग्स दे ब्रेक वेरी ईजीली वो टूट जाते हैं कोई भी कांच का ग्लास अगर आपके हाथ से गिर जाए तो क्या होगा टूट जाएगा ना वैक्स वैक्स मतलब कि जिससे कैंडल बनी होती है या फिर आपके वैक्स कलर उसको अगर आप थोड़ा सा फोर्स करोगे तो वो वैक्स कलर भी दो पीस में टूट जाएगा एंड क्ले इफ यू क्रम्बल इट तो क्ले भी टूट जाएगा वेयर एज थिंग्स अप ऑफ मेटल और वुड दे डू नॉट ब्रेक सी यू माइट अप ऑफ दिस

छोटा बच्चा भी इसको फोल्ड कर सकता है ठीक है एंड इफ यू टच इट यू फील वेरी स्मूथ ठीक है दिस इज वुल वॉट इज दिस दिस इज कॉटन देखो कितना सॉफ्ट है यू कैन ईजिली फोल्ड इट यू कैन ईजिली स्क्वीज इट उसको आप दबा सकते हो और अगर आप इसको छुओगे तो आपको ये चुभेगा नहीं देन सी द क्लोथ है ना इसको भी आप इजीली फोल्ड कर सकते हो देन द पेपर सी कितना इजीली फोल्ड हो गया दीस थिंग्स मटेरियल सच एज कॉटन वुल पेपर दे आर वेरी लाइट एंड सॉफ्ट सी उसका कुछ वजन भी नहीं होता है ना लाइट वेट होते हैं सी इट इज नॉट दैट मच हैवी ये देखो कितना लाइट वेट है नाउ सी दिस ये इतना बड़ा सा है बट सी कितना लाइट वेट है सो सॉफ्ट मटीरियल्स दे आर मेड अप ऑफ कॉटन वुल एंड पेपर एंड दे आर वेरी मच लाइट एंड सॉफ्ट सॉफ्ट मतलब कि दे आर नॉट गोइंग टू हर्ट योर बॉडी आपकी बॉडी को वो चुभेंगे नहीं कम टू पेज नंबर एटी टू एंड इट इज लिक्विड मटीरियल लिक्विड मतलब क्या जिसको आप बॉटल में भर सको कैन में भर सको है ना सम मटीरियल सचेज वाटर एंड ऑयल आर लिक्विड अच्छा लिक्विड का मतलब कि अगर आप बॉटल को खोल दो और अगर बॉटल में पानी होगा तो इट विल फ्लो है न पानी फ्लो करने लगेगा इट इज़ नॉट हैविंग इट्स ओन शेप है ना पानी को इफ़ यू कीप पानी इन वाटर बॉटल तो उसका शेप बॉटल के जैसा हो जाएगा इफ़ यू कीप पानी इन कटोरी लाइक like दिस तो उसका शेप कटोरी जैसा हो जाएगा ठीक है सेम इज़ द केस विथ ऑयल दे एक्चुअली फ्लो वो उनका शेप नहीं होता वो फ्लो होते हैं ठीक है सो मटीरियल सचेस वाटर एंड ऑयल ऑल द टाइप्स ऑफ ऑयल वो सारे लिक्विड होते हैं ठीक है देन मिल्क मिल्क इज ऑल्सो लिक्विड फिर जब आपका आइसक्रीम मेल्ट हो जाता है देन इट ऑल्सो टर्न्स इन टू लिक्विड ना हेवी एंड लाइट मटीरियल्स कि जिसका वजन भारी होते हैं लाइट मतलब कि जितना भी आप उठा लो आपको उसका वजन नहीं लगेगा मेटल्स एंड रॉक आर हैवी ये देखो छोटा सा पत्थर है बट हाउ मच हैवी इट इज है ना देन सी दिस थिंग विच इज मेड अप ऑफ मेटल इट इज वेरी मच हैवी वेयर एज कॉटन वुल एंड प्लास्टिक एंड पेपर आर लाइट ये देखो कॉटन है ना ये कंपेयर द साइज ये देखो ये बहुत छोटा है फिर भी हैवी है स्टोन रॉक एंड सी दिस इसकी साइज बहुत है बट स्टिल इट इज वेरी लाइट वेट कॉटन देन वुल इवन क्लोथ्स क्लोथ्स का भी वज़न इतना नहीं होता पेपर पेपर दे आर ऑल्सो वेरी लाइट वेट सम मटीरियल्स दे बर्न ईजिली बहुत जल्दी आग लग जाती है किस को आग लगती है वुड को पेपर क्लोथ रबर प्लास्टिक एंड ऑयल दे बर्न इजीली है ना वुड हार्ड है हैवी है बट इट कैचेस फायर वेरी इजीली पेपर लाइट है सॉफ्ट है देन ऑल्सो इट कैचेस फायर वेरी ईजिली सेम इज़ द केस विथ क्लोथ है ना दिवाली के टाइम पे मम्मी बोलती है पटाखों जलाते वक्त ध्यान रखा करो वरना जल जाओगे रबर प्लास्टिक ऑयल ऑयल में भी बहुत जल्दी आग लग जाती है वेयर इज थिंग्स मेड अप ऑफ मेटल और रॉक्स दे डो नॉट बर्न क्या कभी आपने देखा है किसी पत्थर में आग लगी हो या कभी आपने देखा है किसी ऐसे ऑर्नामेंट्स में आग लगी हो आपने देखा है नो दे डो नॉट बर्न एंड द लास्ट टॉपिक ऑफ टूडेज डिस्कशन इज नेचुरल मटीरियल नेचुरल मटीरियल मतलब के

सी यहाँ पर वुड इट इज़ फाउंड नेचुरली वी आर नॉट प्रिपेयरिंग वुड देन वाटर। वाटर भी नेचुरली मिलता है है ना बारिश गिरती है क्या आप बारिश देते हो नो इट इज नेचुरल देन सैंड आपके घर के बाहर जो मिट्टी होगी ऑयल हम जो बॉटल में भरते हैं वो तो ऑयल निकालते हैं बट एक्चुअली सी इफ यू च्यू द कोकोनट वेरी अच्छे से आप च्यू करोगे ना तो आपको उसमें से कुछ ऑयली ऑयली दिखेगा तो कोकोनट में कौन ऑयल भरने गया था इट वॉज़ नेचुरल कोल कोयला जो होता है जो कि मिट्टी खोदने से मिलता है दैट कोल मेटल्स जितने भी ऐसे मेटल्स होते हैं वो जमीन को खोदने से मिलते हैं दीज आर नेचुरल मटीरियल सो टुडे वी डिस्कस्ड अबाउट